वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मसाला परांठा। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए नॉर्मल हम रोटी के लिए जो आटा लगाते हैं, वैसे ही मैंने आटा लगा लिया है। अब मैंने इसकी एक लोई बना ली है और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के इस तरह से कट लगा देंगे। इसे हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़कर। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम चारों साइड पे घी लगा लेंगे। मैंने सभी पे घी लगा लिया है। एक पार्ट पे मैंने थोड़ी सी मिर्ची और नमक डाला है। हम इसे पूरे पार्ट पे फैला देंगे इस तरह से। फिर हम इसके सामने वाला पार्ट इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसकी दूसरी लेयर पे भी घी लगा लेंगे। अब हम इस पे डालेंगे कसूरी मेथी। इसके सामने वाले पार्ट से हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम लास्ट वाले लेयर पे भी थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर इस पूरी लेयर पे फैला देंगे। हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। अब हम इसे हाथ से इस तरह से हल्का हल्का दबा देंगे। हम इस पे थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इस पे एक चम्मच घी लगाएंगे। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी घी लगाएंगे। अब हम इसे पलटेंगे। अब हम इसकी इस साइड पर भी फिर से घी लगाएंगे। अब हम इसे दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला परांठा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये